हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक अविभाजित और सबसे बड़ा अंश कीबो किसने बनाया? तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, ये बनाया था जापान का सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने। 1 अक्टूबर 2003 में स्थापित जक्सा महाकाश में सैटेलाइट्स भेजने से लेकर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बनाने तक हर तरीके का एडवांस रिसर्च में अपना योगदान देता है। तो फिर चलिए जक्सा के बारे में कुछ अनोखे तथ्य आपको बताते हैं। जक्सा असल में जापान का एक सरकारी संस्था है। एक स्वतंत्र संस्था होने के नाते ये महाकाश अनुसंधान से जुड़े हर तरीके का मिशन डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन 2003 से पहले ये तीन अलग अलग संस्थाओं में बटा हुआ था। इनमें से पहला संस्था का नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, जो कि महाकाश और ग्रहों के अनुसंधान पर काम करता था। इसके बाद दूसरा था नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ऑफ जापान। इसका काम था विमान से जुड़े अनुसंधान पर काम करना। और आखिरी संस्था था नेशनल स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ जापान, जो कि रॉकेट और सैटेलाइट निर्माण से लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लगे जापान का हिस्सा कीबो यानी जापानीज एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल तैयार करने तक अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर चुका है। जापान का स्पेस एजेंसी सिर्फ चंद्रमा या फिर मंगल ग्रह के ऊपर ही काम नहीं करता, बल्कि कई एस्टेरॉयड के बारे में भी ये खोज कार्य करता रहता है। सन 2003 में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस ने हायाबुसा नाम का एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट महाकाश में भेजा। हायाबुसा का काम था 25143 इटोकावा नाम से पृथ्वी के नजदीक में तैरता हुआ एक एस्टेरॉयड में जाना। एस्टेरॉयड से धूल और मिट्टी जैसे कई सैंपल लाने के लिए वैज्ञानिकों ने जो मिशन की तैयारी की थी, उसी में से एक मिशन के तहत हायाबुसा को एस्टेरॉयड में उतारा गया था। सन 2000 में जब रोबोटिक मिशन को पक्का किया गया, तब से ही हायाबुसा ने विज्ञान जगत में एक नया आशा का जन्म दिया था। हायाबुसा को 2003 में उची नोउरा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया और 2005 में ये इटोकावा में उतरा। कुछ दिनों तक इसके रोबोट ने एस्टेरॉयड पे रह के सैंपल इकट्ठा किया। इसके बाद 13 जून 2010 में इसे ऑस्ट्रेलिया के वूमेरा में उतारा गया। 3 दिसंबर 2014 में जक्सा के द्वारा और एक एस्टेरॉयड 162173 रायोगु में हायाबुसा 2 को भेजा गया। इसका भी काम हायाबुसा जैसा ही था, लेकिन इसका उतरने का जगह दूसरा था। 162173 रायोगु एक छोटा सा एस्टेरॉयड है जिसका व्यास 1 किलोमीटर है। हायाबुसा 2 को 2014 में छोड़ा गया और 2018 में उसने एस्टेरॉयड पे अपना रोबोट उतारा। वहां से सैंपल इकट्ठा करने के बाद नवंबर 2019 में एस्टेरॉयड से रवाना हुआ। अब उसको 2020 के दिसंबर तक धरती पे वापस आना है। दोस्तों, आपने इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के बारे में सुना है? विज्ञान के इस शाखा के द्वारा महाकाश में स्थित अनेक गैलेक्सी और ताराओं के बारे में पता लगाया जाता है। जिन चीजों को खाली आंखों से देखना नामुमकिन होता है, उसी को देखने हेतु इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी का प्रयोग होता है। और महाकाश में इसको प्रयोग करते हुए स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप और हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी जैसे 2 स्पेस टेलीस्कोप बनाए गए थे। फिलहाल इस दोनों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो जापान इस सेक्टर में कैसे पीछे रह सकता है? जापान तो 1995 से ही इसमें एक्टिव है। 1995 में जापान ने इंफ्रारेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी महाकाश में भेजा था, जो 1998 तक कार्यरत रहा। फिर 2006 में अकारी और फिलहाल सबसे एडवांस तकनीक का उपयोग करके 2032 तक छोड़े जाने वाला स्पेस इंफ्रारेड टेलीस्कोप फॉर कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स अर्थात SPICA को महाकाश में भेजा जाएगा। सिर्फ इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी में ही नहीं, एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, रेडियो एस्ट्रोनॉमी और सूरज के ऊपर अध्ययन हेतु जक्सा कई सैटेलाइट भेज चुका है। जक्सा भविष्य में सूरज के ऊपर अपना अध्ययन बढ़ाने के लिए 2020 के आखिरी समय या फिर अगले साल से ही अपना दायरा फैलाने वाला है। जक्सा सोलर बी यानी हिनोदे सैटेलाइट को 2006 में सिर्फ सूरज को अध्ययन करने के लिए भेजा था। ये सैटेलाइट फिलहाल 2022 तक अपना काम करेगा। अमेरिका सरकार के द्वारा विकसित नौवहन उपग्रह है GPS। इस GPS को और सही तरीके से काम करवाने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने जक्सा के साथ मिलकर 4 सैटेलाइट बनाए। इस पूरे प्रक्रियाओं को क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम यानी मिचीबिकी बोलते हैं।
तो इन चार सैटेलाइट को ऑलरेडी भेजा जा चुका है। इस सिस्टम का पहला सैटेलाइट था मिचिबिकी 1, जिसको 2010 में छोड़ा गया। अब चौथा और आखिरी वाला था मिचिबिकी 4, जिसको 10 अक्टूबर 2017 को प्रक्षेपण किया गया था। 2018 तक ये सब आधिकारिक तरीके से काम भी करने लगे। इससे प्रभावित होकर और भी 7 सैटेलाइटों को 2020 से भेजा जाना चालू हो जाएगा। तब जहाज और एरोप्लेनों को नेविगेशन के लिए और भी बेहतर और एक्यूरेट डेटा उपलब्ध हो पाएगा। जापान मंगल ग्रह में भी अपना सैटेलाइट भेज चुका है, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जक्सा कहाँ रुकने वाला है? उसने मंगल ग्रह में मानव भेजने से लेकर चंद्रमा में परमानेंट मानव बस्ती बसाने का मन भी बना लिया है। 18 अक्टूबर 2017 को जापान का एक सैटेलाइट दुनिया को चौंका दिया था, जब उसने चांद के सरफेस के नीचे एक टनल को खोज निकाला। इसका आकार बहुत बड़ा था। इस टनल को खोज निकाला था सेलेने नाम वाला एक सैटेलाइट। इसे जापानी में कागुया नाम दिया गया। कागुया को 14 सितंबर 2007 में तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। यही सैटेलाइट ने चंद्रमा का चक्कर लगाते वक्त सरफेस में 50 मीटर गहराई और 50 मीटर चौड़ा एक टनल का प्रमाण दिया। लेकिन उतरने के बाद वहां पे एक खाई मिला जो 50 किलोमीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा था। पर इतना तो वैज्ञानिकों को पता लग गया कि वहां पे अनुकूल वातावरण होने के कारण मानव बस्ती आसानी से बसाया जा सकता है। जक्सा पृथ्वी के चारों ओर ऐसे कई सैटेलाइटों को भेज चुका है, जिससे धरती के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड पर अध्ययन, जलवायु और बरसात पर विभिन्न खोज काम किया जा सकता है। इनमें से एक सैटेलाइट का नाम था ट्रॉपिकल रेनफॉल मेजरिंग मिशन। ये सैटेलाइट ट्रॉपिकल वर्षा का सटीक कारण ढूंढने में मदद करता है। दोस्तों, ऐसे काम करते हुए जक्सा कई अन्य संस्थाओं के साथ भी जुड़ा हुआ है, मतलब नासा, ईएसए, रॉसकॉस्मोस, इसरो और सीएनएसए जैसा जक्सा भी महाकाश विज्ञान में अपना योगदान देता रहा है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भविष्य में इसका दायरा और भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, इतना ही था जक्सा का ये सफर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। धन्यवाद।